मीडिया कितना तैयब और कितना आजाद, ये इसकी जरूरत है क्यों इस टॉपिक की? इसलिए कि अगर मैं रीजनल लेवल पे देखूं तो कंपैरेटिवली मुझे आज भी लगता है इस लम्हे भी कि अगर मैं चाइना के मीडिया से मुवाजना करूं या ईरानी मीडिया से मुवाजना करूं या बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब और हम नवा ममालिक से मुवाजना करूं, हत्ता के हिंदुस्तान के मीडिया से भी मुवाजना करूं, तो मुझे लगता है कि हम निस्बतन आज भी बेहतर पोजीशन में हैं। तो उस लिहाज से क्या आपको लगता है कि अगर गिलास आधा खाली है तो आधा भरा हुआ भी है? मेरा ख्याल है कि उसमें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगहों पे मतलब लोग सोचते ही नहीं। मसलन हिंदुस्तान के जो हमारे दोस्त हैं, हम उनसे कहते हैं कि यार हम अपनी रियासत से सवाल तो करें, वो सवाल नहीं करते, अपनी पॉलिसीज के ऊपर सवाल नहीं करते। आपने कश्मीर पे देखा कि कश्मीर के बारे में इतना कुछ हो गया है और जब उनसे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब तो ठीक है, वहां पे इलेक्शन होते हैं, पार्टियां हैं वगैरह। तो एक चीज है कि वो सवाल नहीं करते, मगर हमारा मीडिया अब तक बावजूद इसके कि बहुत ज्यादा कदगने हैं, और इससे तो कोई इंकार ही नहीं है कि कदगने हैं और हमेशा से नहीं है, अब से भी नहीं है। मसलन अभी मैं बैक स्टेज बात कर रही थी कि आप लोग जनरल जियाउल हक का, हम तो छोटे थे, हमने सुना नहीं है, देखा नहीं है वो दौर, लेकिन जो आप लोग बताते हैं कमोबेश वैसा ही आजकल का माहौल है। तो जब भी आप लोग कहते रहे, आज भी आप कह रहे हैं, तो हमें इस बात पे फख्र है कि हमारे अंदर ऐसे लोग हैं जो सवाल पूछते हैं, सवाल पूछने की जुर्रत करते हैं और सवाल जो है उठाने का जो हौसला है उनके अंदर मौजूद है और हमेशा रहे। यानी आपको हालात इतने बुरे नहीं लग रहे? मुझे इतने बुरे हैं, इतने बुरे। अच्छा, आपने जो कहा ना कि हिंदुस्तानी मीडिया कश्मीर पे सवाल नहीं उठाता, तो हम भी कश्मीर पे खुल के सवाल उठाते हैं मगर उनके कश्मीर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब लाइक एंड फॉलो अवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।